नमस्कार दोस्तों, भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है संयुक्त युद्धाभ्यास, अर्थात ज्वाइंट एक्सरसाइज जो किया जाता है, उसी का आज मैं यहाँ पे देखूँगा। होलैंड सोल क्या है ना, पूरा दुनिया में अभी 200 से अधिक देशों का एग्जिस्टेंस है और UN के अनुसार, अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा संस्था है अपने आप में, उसके अनुसार अभी ऑफिशियली 195 देशों का दुनिया भर में एग्जिस्टेंस माना जाता है। 195 इस रूप में कि 193 देश UN का मेंबर है, जबकि दो देश होली सी और प्लेस्टीन जो है नॉन मेंबर के रूप में है, जबकि वहाँ पे ऑब्जर्वर का स्टेटस वहाँ पे उसको मिला हुआ है, होली सी और प्लेस्टीन को। तो भारत का अगर हम यहाँ पे बात करें तो 195 देश में से 6 देश को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी के सभी देशों से क्या है, भारत का किसी भी ना किसी रूप में संबंध है ही। और संबंध होने का मकसद यहाँ पे एक ही होता है कि वह देश हमको, जब हमको विपत्ति आएगा तो वो हमको आगे बढ़ के मदद करेगा। मदद इस रूप में, चाहे वो आपदा के रूप में हो, चाहे आतंकवाद के रूप में हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग के रूप में हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में हो, सी पायरेसी के रूप में हो, किसी भी रूप में हमको मदद करेगा। और आजकल तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि दुनिया में इस प्रकार का जो अनहोनी घटनाएं हैं वो काफ़ी हो ही रहा है। तो इसी के मद्देनज़र एक देश दूसरे देश से मिल करके अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है, युद्धाभ्यास का आयोजन करता है, चाहे वो थल सेना के रूप में हो, चाहे वो जल सेना के रूप में हो, और चाहे वो वायुसेना के रूप में हो। कहने का मतलब है मिलिट्री रूप से हो, नेवी के रूप में हो, या फिर एयरफोर्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो जो है अपना एक्सरसाइज करता है। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके आप PCS हो या फिर UPSC हो, उसमें तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं थल सेना द्वारा आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास। बांग्लादेश का बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ भारत का थल सेना का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति, अर्थात संप्रीति नाम से भारत और बांग्लादेश थल सेना जो है वो एक जगह मिलते हैं कहीं, और संप्रीति नाम से अपने युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। जबकि चाइना के साथ भारत का थल सेना के रूप में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड नाम से भारत चीन के साथ थल सेना का युद्धाभ्यास संयुक्त रूप से किया जाता है। जबकि इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति नाम से भारत युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। जबकि कजाकिस्तान के साथ भारत पलबल दोस्तक नाम से थल सेना का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है युद्धाभ्यास के रूप में। वहीं किर्गिस्तान के साथ भारत खंजर नाम से थल सेना का युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। जबकि मालदीव के साथ इक्वेरियन नाम से संयुक्त रूप से थल सेना का युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। वहीं मंगोलिया के साथ भारत नोमैडिक एलिफेंट नाम से थल सेना का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। जबकि म्यांमार के साथ इम्बेक्स नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। जबकि फ्रांस के साथ थल सेना का संयुक्त रूप से शक्ति नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है। जबकि नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम से थल सेना का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। ओमान के साथ अल नाग, जबकि रूस के साथ इंद्र नाम से थल सेना का संयुक्त रूप से युद्ध का आयोजन किया जाता है। सेशल्स के साथ लमीतिया नाम से संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। जबकि श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति नाम से हम थल सेना का संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास करते हैं। थाईलैंड के साथ मैत्री, जबकि UK के साथ अजय वॉरियर नाम से हम थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला युद्धाभ्यास का नाम है। वहीं USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हम जो थल सेना का युद्ध अभ्यास होता है वो है वज्र प्रहार, याद रखिएगा, USA के साथ वज्र प्रहार नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है। जबकि वियतनाम के साथ विनवैक्स नाम से थल सेना द्वारा आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास का नाम है। तो
ये था मेरा मिलिट्री अर्थात थल सेना द्वारा आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास जो कि विभिन्न देशों के साथ भारत करता है। आइए इसके बाद हम नौसेना का बात करते हैं। तो नौसेना में सबसे पहले अगर हम भारत में बांग्लादेश के साथ बात करें तो इसके साथ होता है इन बी एन कार्पेट, याद रखिएगा इन बी एन कार्पेट नाम से जो नौसेना का है संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन करता है भारत और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये तीनों देश मिलकर के संयुक्त रूप से IBSAMAR नाम से संयुक्त रूप से नौसेना का युद्धाभ्यास का आयोजन करता है, जबकि फ्रांस के साथ वरुण नाम से नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। वहीं इंडोनेशिया के साथ इंडो इंडो कार्पेट इंडो इंडो विलेट नाम से नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, जबकि मलेशिया के साथ टेबल टॉप और हरिमाऊ शक्ति, याद रखिएगा टेबल टॉप और हरिमाऊ शक्ति ये नौसेना का संयुक्त रूप से मलेशिया द्वारा और भारत के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है, जबकि ओमान के साथ नसीम अल वहर नाम से नौसेना का युद्धाभ्यास किया जाता है, जबकि यहीं पे म्यांमार का बात करें तो वहाँ पे होता है विलेट नाम से नौसेना का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसका पूरा नाम है IMCOR INMN विलेट, तो विलेट याद रखिए विलेट नाम से नौसेना का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। श्रीलंका के साथ सिलनेक्स, जबकि सिंगापुर के साथ सिमवेक्स नाम से नौसेना का युद्ध का आयोजन किया जाता है, और थाईलैंड के साथ भारत का क्या है इंडो थाई कार्पेट नाम से नौसेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वहीं यूके के साथ कोंकण नाम से संयुक्त रूप से नौसेना का युद्ध अभ्यास किया जाता है, जबकि भारत और यूएसए का बात करें नौसेना के साथ तो वो मालावार नाम से नौसेना का युद्धाभ्यास किया जाता है। वहीं ब्रुनेई के साथ बहुपक्षीय रूप से ADMM नाम से नौसेना का युद्धाभ्यास किया जाता है, जबकि इंडोनेशिया के साथ कामेडो नाम से नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास किया जाता है। वहीं भारत द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास भी किया जाता है और मिलन नाम से नौसेना का यहाँ पे अभ्यास हमको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पे नौसेना द्वारा भारत और विभिन्न देशों के साथ जो संयुक्त रूप से युद्ध का अभ्यास किया जाता है वो हमने देखा। आइए अब हम देखते हैं वायुसेना द्वारा युद्ध का आयोजन विभिन्न विभिन्न देशों के साथ संयुक्त रूप से आयोजन होता है उसका। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ जो मेरा एयरफोर्स है उसके साथ किस नाम से होता है टेबल टॉप नाम से वायुसेना का युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है, जबकि इसराइल के साथ ब्लू फ्लैग 17 याद रखिएगा इसराइल ब्लू फ्लैग 17 नाम से वायुसेना का युद्ध का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है, जबकि ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम है ईस्टर्न ब्रिज 4 नाम से ओमान और भारत के बीच वायुसेना का संयुक्त रूप से युद्ध का आयोजन किया जाता है अभ्यास किया जाता है, जबकि सिंगापुर जॉर्डन के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग नाम से वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट ईगल नाम से वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास हैं। वहीं ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष चार जो है वो ब्रिटेन और भारत के बीच वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है, जबकि यूएसए के साथ वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले भारत के बीच में क्या नाम है रेव फ्लैग ये संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है। भारत और यूएसए के बीच रेव फ्लैग नाम से वायुसेना का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो पिच ब्लैक अभ्यास नाम है और वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास भी भारत करता है। वायुसेना के जो अफसर होते हैं और वो वहाँ पे आर्मी होता है तो वो होता है संवेदना,
क्या होता है, संवेदना। संवेदना नाम से वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास होता है। तो इस संवेदना को आप याद रखिएगा। दोस्तों अंत में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, ये है अभी अभी क्या है तो 50 वर्ष गांठ मनाया है विश्व जनसंख्या दिवस का। क्या था ना, तो विश्व जनसंख्या दिवस जिसे कि हम हर एक वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं, 1968 से वो कंटिन्यू रूप से मनाते आ रहे हैं पूरा दुनिया स्तर पर। और अब की बार जो इसका थीम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका थीम है जो है वो है फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट्स, मतलब परिवार नियोजन को मानवाधिकार माना गया है अब की बार। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 50वीं वर्षगांठ मनाया है। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। दोस्तों इस समय में क्या है ना, दुनिया में कहीं प्रॉब्लम जनसंख्या को लेकर के अधिक है तो अधिकता से है, मतलब जनसंख्या की अधिकता से प्रॉब्लम है, तो कहीं जनसंख्या की कम होने के वजह से है। वहीं हम टॉप लेवल की कंट्री का बात करें जिसको हम विकसित देश कहते हैं, वहाँ पे जनसंख्या में ह्रास हो रहा है, जबकि भारत और चाइना खास करके जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जितना भी देश है, अगर जापान को छोड़ दीजिए तो वहाँ पे जापान वैसे भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या क्या है तो घट रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए धन्यवाद।